फ्रीडम फाइटर्स की तारीख मिटाने की जो साजिश चली हुई है आरएसएस की, ये उसी का एक हिस्सा है जो कांग्रेस के आज गुलबर्गा में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद चौक का नाम बदलने का ऐलान किया गया है। जैसे आज गुलबर्गा में एक न्यूज़ चला है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सर्कल को रीनेम करने का, तो इस पर मैं ये कहूँगा, तो सबसे पहले तो आज जैसे हमारा रिपब्लिक डे है, कॉन्स्टिट्यूशन आज के दिन अडाप्ट किया गया था। इन कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव बीन गिवन राइट्स टू एक्सप्रेस, देयर इज फ्रीडम ऑफ राइट टू एक्सप्रेशन, एंड दिस फ्रीडम ऑफ राइट टू एक्सप्रेशन डज नॉट स्टॉप पर्सन फ्रॉम स्पीकिंग नॉनसेंस, दे कैन फ्री टू स्पीक आइदर सेंस और नॉनसेंस। सो कांग्रेस has spoken a nonsense today by saying that they will rename the Maulana Abul Kalam Azad Circle to a local in the name of local politician. हम इसकी सख्त अल्फाजों में मुजम्मत करते हैं और इसकी मुखालिफत भी करते हैं। ये नामकरण करने का जो आइडियोलॉजी है, ये बीजेपी, कांग्रेस का, आरएसएस का, ये बदलना चाहिए। इनको अपना ये एजेंडा ख़त्म करना चाहिए। जैसे हम सबको पता है, फ्रीडम फाइटर्स की तारीख मिटाने की जो साजिश चली हुई है आरएसएस की, ये उसी का एक हिस्सा है जो कांग्रेस के आज गुलबर्गा में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद चौक का नाम बदलने का ऐलान किया गया है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ना कि सिर्फ एक कांग्रेस के बड़े दिग्गज, बड़े लीडर गुजरे हैं, बल्कि एक वो बड़े फ्रीडम फाइटर भी। तो ये स्वतंत्र सेनानियों के लिए इंसल्ट है कि कांग्रेस के लीडर्स खुद बैठ के आज गुलबर्गा में एक स्वतंत्र सेनानी का नाम हटाकर एक लोकल लीडर का नाम दे रहे हैं। जैसे हम सब जानते हैं, जैसे यूपी बीजेपी गवर्नमेंट काम को देखने जो मिला, इलाहाबाद का नाम हटाकर कुछ का रख दिया गया, उसी तरीके से हम गुलबर्गा में पहले देख चुके हैं, जब कांग्रेस गवर्नमेंट यहाँ पर थी तो ये गुलबर्गा का नाम बदल कर कलबुर्गी किया गया। ये वही आरएसएस बीजेपी का, कांग्रेस जो हिंदुत्व एजेंडा चला रही है, ये उसी के कंटिन्यूएशन का है जो गुलबर्गा में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद चौक का नाम हटाकर एक लोकल लीडर के नाम पर रखना है। हम इसके लिए कांग्रेस के सारे लीडरों को, नेशनल प्रेसिडेंट, स्टेट प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, ये लोगों को, हम सारों को ये कहते हैं कि वो फौरन आवाम से माफ़ी मांगे। दे हैव हर्ड द सेंटिमेंट्स ऑफ पीपल बाई रीनेमिंग द मौलाना अबुल कलाम आज़ाद चौक, और प्लानिंग टू रीनेम, और हैव डिसाइडेड टू रीनेम, दे शुड चेंज देयर कोर्स ऑफ एक्शन इन दिस। और ये लोग जो पहले का नाम रखा हुआ है, जो पहले के लीडर्स इसका नाम रखे हैं, वो कम से कम ये अखलाकन तरीके से जो पहले के लीडर्स नाम रखे हैं, उनके बात का, उनके काम का एहतराम करते हुए, उनकी इज्जत करते हुए, तो नाम बदलने का काम अपना बंद करें। अगर कांग्रेस अगर ये नहीं करती है तो हम यहाँ पर बड़ी तहरीक शुरू करेंगे, बड़ा एहतजाज होगा, और जब तक ये इनका जो नॉनसेंस है कांग्रेस का आज, ये जब तक नॉनसेंस इनका रुकेगा नहीं, हम यहाँ पे एक बड़ी एहतजाज के तौर पे यहाँ पे हम इसको एजिटेट करके ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद नाम चौक कंटिन्यू कराने के लिए हम एक जद्दोजहद करेंगे। थैंक यू।